कहा था मुझे आप प्रधानमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं प्रधानमंत्री नहीं चौकीदारी करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को कंफ्यूजन हो गया किसके चौकीदार, अदानी के, अंबानी के, नीरव मोदी के, मेहुल चौकसी के, ललित मोदी बड़े हमारे लिस्ट है, उन्होंने उनकी चौकीदारी करनी शुरू कर दी। देश को लगा था कि नरेंद्र मोदी जी किसानों की चौकीदारी करेंगे, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, कमजोर लोगों की। पता लगा चौकीदार अब इलेक्शन कमीशन ने मुझे कहा, देखिए अब मेरा भाषण सुनिए, जैसे मैं कहता हूं चौकीदार जनता कहती है चोर है। अब मुझे इलेक्शन कमीशन कह रहा है भैया आप चौकीदार शब्द नहीं प्रयोग कर सकते, आप चौकीदार नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप चौकीदार कहते हो जनता कहती है अब मेरी क्या गलती, मैं तो सिर्फ चौकीदार शब्द प्रयोग करता हूं। अब नरेंद्र मोदी जी भी झिझक के चौकीदार शब्द मीटिंग में, आजकल नरेंद्र मोदी जी भी चौकीदार शब्द नहीं बोलते, क्योंकि गलती से उन्होंने चौकीदार बोल दिया, दूसरे साइड से बीजेपी वालों ने शुरू कर दिया चौकीदार। तो अब उनके आपने भाषण देखे होंगे, आजकल क्या होता है, पहले चप्पल इसकी झाड़ती मित्रों, आज एक तरफ आईना टेलीप्रॉम्प्टर वाला, दूसरी तरफ टेलीप्रॉम्प्टर वाला, उसमें साफ लिखा रहता है मोदी जी उसमें आप भाषण में गलती से भी रोजगार की बात मत कर देना, नुकसान हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आप गलती से भी 15 लाख की बात बोल मत देना, वो अगर कांग्रेस वालों ने 3,60,000 रुपए देने की बात करती है, आपने झूठ बोला था 15 लाख का झूठ बोला था, वो कांग्रेस वालों ने पूरा कैलकुलेशन कर दिया है, सच्चाई निकाल ली है, योजना का नाम न्याय योजना, 72,000 रुपए साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल। तो नरेंद्र मोदी अब झिझक झिझक के बोलते हैं, मुझे अपनी लाइन पे किसी ने बोला कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मैं मिल रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि देखिए आप अपने भाषण में किसानों की बात करते हैं, आप आज थोड़ी सी बात व्यापारियों की भी कीजिए, और मैं आज किसानों को, व्यापारियों को, युवाओं को मैसेज देना चाहता हूं। देखिए अभी मुझे बताया गया कि जिले में नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के कारण 12,000 छोटे बिजनेस बंद हुए। क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से, आपके घर में से पैसा निकाला, नॉर्मल इकोनॉमी चल रही, सिस्टम चल रहा, व्यापार चल रहा, दुकानें चल रही। नरेंद्र मोदी आए कहते भैया मैं हिंदुस्तान की जनता के घर से, जेब से पैसा निकाल कर बड़े उद्योगपतियों को जेब में डालना चाहता हूं। आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको लाइन में खड़ा कर दिया, आप लाइन में खड़े हुए, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, पता लगा नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए दे दिए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए। मगर जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने, और ये आपको समझने होगी बात, और खासतौर से जो छोटे दुकानदार व्यापारी लोग हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले लोग हैं, ये आपको समझनी होगी,
जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की गब्बर सिंह टैक्स लागू किया और जनता की जेब से पैसा निकाला, जनता की जेब में पैसा नहीं बचा, पैसा नहीं बचा, जनता ने माल खरीदना बंद किया, माल खरीदना बंद किया, नुकसान किसको हुआ? जनता को हुआ, और किसको हुआ? व्यापारियों को हुआ। आपकी दुकानें बंद हो गई, जैसे ही आपकी दुकानें बंद हुई, जैसे आपकी दुकानों में माल बिकना बंद हुआ, वैसे हिंदुस्तान के फैक्ट्रियों उनके मालिक ने कहा भैया फैक्ट्रियों को बंद करो। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह का ऐसा हो गया, दुकानों में कुछ बिक नहीं रहा, लोग के जेब में पैसा नहीं है, हम फैक्ट्री को चलाएं।